पैसे के लालच में लोगों की बिनाई छीनने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। गैर मयारी इंजेक्शन की तैयारी का मरकजी किरदार आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने यहां मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफ आला से हिरासत में ले लिया। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से भी पकड़ा गया। ड्रैप ने अस्पतालों को इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। मुकदमे में मुलव्वस 3 मुलजिमों की अबूरी जमानतें 9 अक्टूबर तक मंजूर। गैर मयारी इंजेक्शन के मामले में बासर लोग भी मुलव्वस, किसी से रियायत नहीं होगी। मुलजिमों को बगैर किसी प्रेशर में आए पकड़ रहे हैं। रिपोर्ट आने में 7-8 दिन लगेंगे। जो भी मुलव्वस हैं उन्हें अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे। निगरान वजीर पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलाल और नवीद के साथ आई सर्जन भी गैर मयारी इंजेक्शन के स्कैंडल में मुलव्वस। लाहौर से मुल्तान रहीम यार खान और सादिकाबाद तक सप्लाई का इंकशाफ। इंजेक्शन बनने के बाद 6 घंटे में मरीज को लगना जरूरी, लेकिन बसों और रिक्शों पर इंजेक्शन 30-30 घंटे में दूसरे शहरों में पहुंचता था। दूसरे जिला में आई सर्जन 1500 में इंजेक्शन खरीद कर मरीजों को 50,000 तक फरोख्त करते रहे। तहकीकात जारी, किसी जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर। ड्रैप का अमराज चश्म की गैर मयारी दवा की फरोख्त पर एक्शन। ड्रॉप्स का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कॉमिस्टन आई ड्रॉप्स का प्रोजेक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की बिनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स मरीज को कॉमिस्टन आई ड्रॉप्स का मुतासरा बैच इस्तेमाल ना कराएं। फार्मा कंपनी मुतासरा बैच मजीद सप्लाई ना करे। ड्रैप अलर्ट में हिदायत, कंपनी को कॉमिस्टन आई ड्रॉप्स का मुतासरा बैच मार्केट से वापस उठवाने का हुक्म। पंजाब भर में आज सुबह चश्म के फैलाव में तेजी। 74,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। स्कूल्स के तलबा शदीद मुतासर। सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में कल से इतवार तक आम तातील का ऐलान। मोहसिन अज़हर नकवी का लाहौर में गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। आज सुबह चश्म में मुबतला तालिबात की हाजिरी पर सख्त इजहार बरहमी। सेक्रेटरी स्कूल्स को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हायल कानूनी रुकावटों को दूर करने का टास्क मिल गया। पार्टी कायद की पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। सदर नून लीग कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से मुशावरती मीटिंग करेंगे। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गईं। कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग पार्टी के अहदेदारों विंग्स और तंजीमों को मुतहरक करेंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठ पर मबनी है। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश की वजह से आज मुल्क इस हाल में है। किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। कोई जमात या लीडर मुल्क के दिफा पर चढ़ दौड़े, 14 के मुजस्मों की बेहुरमती करे तो क्या केस नहीं चलना चाहिए? ऐसे रहनुमाओं को इसलिए माफ नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। राणा सनावला। जनवरी में मुल्क के बालाई इलाकों में सख्त सर्दी होगी। इंतखाबात मुमकिन नहीं। सरफराज बुगटी को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। राणा सनाउल्ला का भी निगरान वजीर दाखिला को सख्त जवाब, गैर मुनासिब है। बहैसियत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन वाला बयान नहीं दे सकते। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना अदालत और हम सबका काम है। मुकन्ना कानून साजी कर दे तो उस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर अपने अख्तियारात किसी को देने का मजाज नहीं। टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे को शफाफ होना चाहिए, वरना वो आवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के टैक्स तशखीस से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। अदालत का वक्त जाया करने पर 10,000 जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का FBR को अपने तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म।
कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाजत के बगैर छापने का केस, लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया। 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म, 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहां सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? जस्टिस सुजात अली खान का विफाक के वकील पर इजहार बरहमी, ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये हम सब का है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं, वो खुद पेश होकर अपनी पोजीशन वाजे करें। लगता है निगरान वजीर आजम के सामने मामला रखा ही नहीं गया। अदालत के रिमार्क्स, हमें मजीद मोहलत दे दें। वकील, विफाकी हुकूमत की इस्तदा, आप संजीदा होते तो कोई रिपोर्ट लाजमी जमा कराते। जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मर्दमशुमारी 2023 के तहत नई हलका बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। तफसीलात इलेक्शन कमीशन के हवाले, 26 अक्टूबर तक एतराजात वसूल किए जाएंगे, जिन पर समाअत 25 नवंबर तक होगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत 30 नवंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद 54 दिनों में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर रखा है। इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1.05 रुपये सस्ती 288.75 रुपये पर बंद। 16 रोज में 18.25 रुपये सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये कमी 290 रुपये पर फरोख। स्टॉक मार्केट में बंदी 87 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 46,365 पर बंद। निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 और पंजाब फायर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का फजाई दौरा। दोनों मंसूबों पर जारी तामीराती कामों का जायजा। प्रोजेक्ट लाहौर की तरक्की को नई सम्त देगा। रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम को आमदरफ्त की बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।